के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुंबई के ONGC प्लांट में लगी आग में जिंदगी गंवा चुके CISF जवान महेंद्र पासवान की विधवा संध्या को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया 25 लाख की आर्थिक मदद, कहा सरकार करेगी हर संभव मदद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एम्स गोरखपुर का विधिवत किया निरीक्षण, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुकंपा से गोरखपुर को मिला एम्स, जनता को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है राज्य और केंद्र सरकार। भाजपा द्वारा आयोजित हुआ राष्ट्रीय एकता अभियान जन जागरण पर उद्गोष्ठी, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रखे अपने विचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एम्स में MBBS के प्रथम वर्ष में प्रवेश लिए छात्र छात्राओं से संवाद कर उनके प्रति व्यक्त की अपनी शुभकामनाएं, कहा प्राणी मात्र के कल्याण के लिए समर्पण भाव से कार्य करना है सबसे बड़ा पुण्य। गुरुवार को गोरखपुर पहुंचे CM योगी ने NXC भवन में किया हिंदू युवा वाहिनी व भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक, गिनाए केंद्र सरकार के 100 दिन तथा प्रदेश सरकार के 30 माह की उपलब्धियां, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का किया आह्वान, कहा अब तक का सबसे बड़ा आयोजन रहा है कुंभ, 24,56,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई श्रद्धा की डुबकी। गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा 1 नवंबर से किसान धान क्रय केंद्रों पर बेच सकते हैं अपने धान, लेकिन पहले करा ले रजिस्ट्रेशन, मिलेगा उचित दाम। अवैध वसूली कर रहे युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, SP साउथ ने किया खुलासा। परम श्रद्धे भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार की 127वीं जयंती के अवसर पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाई जी के जीवन प्रसंग पर आधारित पुस्तकों का विमोचन, डाला उनके जीवन पर प्रकाश, दी श्रद्धांजलि। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई गांधी जयंती की तैयारी बैठक, जयंती को धूमधाम से मनाने पर हुई चर्चा। आयुष्मान भारत योजना के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। अपने विभिन्न मांगों को लेकर लेखपाल संघ का धरना 2रे दिन भी रहा जारी, मांगे पूरी न होने पर दी चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों ने लेखपाल के मनमानी पूर्ण रवैये को लेकर DM से मुलाकात की कार्रवाई की मांग। मारवाड़ी सेवा समिति गोरखपुर द्वारा महाराजा अग्रसेन की जयंती के संबंध में आयोजित की गई प्रेस वार्ता, कार्यक्रम की दी गई जानकारी। और तेज हवाओं के साथ लगातार हो रही झमाझम बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, लोगों को बाहर आने जाने में उठानी पड़ी दिक्कतें।